और जैसे ही सतयुग पूरा हुआ और दूसरा युग आया जिसको कहा गया त्रेता युग, चंद्रवंश, जहां पर सतयुग जितनी परफेक्शन नहीं है, लेकिन जहां पर श्री राम का राज्य है, श्री रामचंद्र जिसको कहा, दो कला कम हो गई। 16 कला संपूर्ण थे। 16 कला कोई गिनती की नहीं होती है, परफेक्शन का फिगर है। कोई बात 100% करेक्ट होती है तो क्या कहते हैं, 16 आनी सच है। संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा होगा तो कहेंगे 16 कला संपूर्ण है। तो 16 फिगर परफेक्शन का है ना। परफेक्शन के बाद धीरे धीरे इम्परफेक्शन की ओर यात्रा बढ़ेगी लॉ ऑफ एंट्रोपी के हिसाब से। और इसलिए त्रेता युग में आए तो 2 कला कम हो गए, 14 कलाधारी बने। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम इस युग में भी है, लेकिन सतयुग जितनी संपूर्णता न होने कारण आयुष्य थोड़ा कम हो गया। 2 कला कम हुई तो थोड़ा कम हो गया, और इसलिए 125 साल के आसपास जब आयुष्य हो जाती है तो जन्म बढ़ जाते हैं, 8 जन्म से 12 जन्म हो जाते हैं। तो सतयुग के अंदर श्री कृष्ण के 8 जन्म की जयंती मनाते हैं हम, क्योंकि इतनी श्रेष्ठ आत्मा थी। और 8वां जन्म के बाद 9वें जन्म पर श्री राम का जन्म होता है, इसीलिए राम नवमी मनाई जाती है कि 9वें नंबर पर श्री राम है। तो उसकी जयंती भी इतनी ही महान थी, उसका जन्म भी इतना श्रेष्ठ था, तो उसके जन्म का भी हम जश्न मनाते हैं। कितना सुंदर, भक्ति के अंदर हर चीज इतनी सुव्यवस्थित है, लेकिन हमने कभी उसके भाव को समझा नहीं, इसलिए उसका आनंद नहीं ले सकते। तो इस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भी जयंती हम मनाते हैं। भले 125 साल हो गया, 150 साल से कम हो गए, लेकिन फिर भी बहुत श्रेष्ठ कर्म उनके भी थे। लेकिन जैसे जैसे तीसरा युग आता है द्वापर, जहां सत्य के साथ असत्य मिक्स होने लगा, अकाले मृत्यु आरंभ होने लगी, और अकाल मृत्यु जब आरंभ हो जाती है तो जरूर है आत्मशक्ति क्षीण हो गई। 1250 यानी 2500 साल पूरे हो गए, आधा समय पूरा हो गया 5000 साल में, तो आधी कलाएं भी कम हो गई। तो 16 कला से द्वापर युग में सिर्फ 8 कलाधारी हो जाते, इतनी ही पोटेंशियल रह गई, और इसलिए अकाले मृत्यु होने कारण जन्म बढ़ गए, 21 जन्म हो गए द्वापर युग। और इस युग में मनुष्य भक्ति आरंभ करता है, अव्यभिचारी भक्ति होती है। पहले के जमाने के राजाओं के महलों में देखेंगे आप, अगर राजस्थान के एक एक राजाओं के महल को देखने जाएंगे ना, आपको हर जगह महल में एक मंदिर मिलेगा, हर राजाओं के महल में एक मंदिर मिलेगा, और अक्सर हर राजाओं के महल में शिव का ही मंदिर मिलेगा। शिव के पुजारी थे, क्योंकि इमीडिएट द्वापर युग में उतरते ही वो शिव की आराधना करना आरंभ करते हैं। लेकिन धीरे धीरे बाद में मनुष्य आत्माएं जो देवी देवताएं होकर के गए, उनके मंदिर बना करके उनकी पूजा आरंभ कर देते हैं। और इस तरह से अव्यभिचारी भक्ति, एक ही भक्ति आरंभ होती है। संन्यास धर्म भी शुरू होते हैं, कुछ महान ऋषियों का जन्म होता है और पुण्य कर्म आरंभ हो जाते हैं। कर्म मनुष्य के पुण्य कर्म होते हैं। इसी युग में परमात्मा का पैगंबर संदेश लेकर के आते हैं, और इस तरह से द्वापर युग चलता है, मनुष्य के 21 जन्म होते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है कलयुग आता है, तो कलयुग के अंदर 1 या 2 कला रह जाती है। इसीलिए लोग कहने में कह देते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर 99 अवगुण है, लेकिन 1 तो गुण होगा,
उस एक गुण को देख करके ही तो आगे बढ़ो। तो एक या दो गुण रहते, इतनी कला क्षीण हो जाती है, इतनी आत्मा की ताकत क्षीण हो जाती है, और इसलिए अकाले मृत्यु बढ़ जाती है, क्योंकि मनुष्य के कर्म इस युग में विकर्म ज्यादा है। विकर्म यानी पाप कर्म, विकृत कर्म, विकारों के वश कर्म, उसको कहा विकर्म। मनुष्य की आयुष्य कम होने लगती है और जन्म बढ़ जाते हैं। कोई जन्म 5 साल में शरीर छोड़ देता, कोई जन्म 80 साल तक, 90 साल तक खींच लेता है। इस तरह से इम्बैलेंस हो जाता है और कलयुग के अंदर करीबन 42 जन्म होते हैं। इस तरह से अगर गिनती करें, 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के, मिलकर के 20, द्वापर के 21 माना 41, और कलयुग के 42 माना 83 जन्म, 83। तो 84वां जन्म जो है वो ये संधिकाल के समय, जब कलयुग और सतयुग का संधिकाल का समय आता है, तब सिर्फ एक जन्म होता है, और इस जन्म को कहा गया दुर्लभ, क्योंकि ये जन्म बार बार नहीं मिलता है। इसी जन्म में हमें 84 जन्म का ज्ञान प्राप्त होता है, इसी जन्म में हमें कर्म की गुह्य गति का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी जन्म में जब यह संधिकाल का समय है, तो इस संधिकाल के समय को कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग, जहां 2 युगों का संगम होता है और जहां आत्मा का परमात्मा के साथ संगम होता है, जहां आत्मा पुरुष में से उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ करती है और ईश्वर की कृपा से उसका कल्याण होता है। इसलिए इस युग का नाम है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसलिए भक्ति में संगम का बहुत महत्व है, गंगा सागर का संगम, क्योंकि यहाँ आत्मा गंगा की तरह और सागर यानी परमात्मा, तो गंगा सागर का संगम होता है, और जो संगम में स्नान करता है, कहते हैं वो प्यूरिफाइड हो जाता है, क्योंकि यही युग में प्यूरिफिकेशन प्रोसेस आरंभ होती है। मनुष्य उत्तम पुरुष बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म का आचरण करने लगता है और परमात्मा का विशेष आशीर्वाद उसके ऊपर रहने के कारण वो उत्तम पुरुष बन करके आगे बढ़ता है। तो ये संगम की महिमा, नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने, ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जहां हो जाता है कि मनुष्य नर से सो नारायण, नारी से सो श्री लक्ष्मी, ये कहावतें भक्ति में ऐसी ही नहीं पड़ी है, ये प्रैक्टिकल हुआ है। इसीलिए